आजमीन हज। अब बहुत ध्यान से आप देखें सऊदी अरब की सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम। हम लोगों को लगता है कि जो हम लोग YouTube पे लाइव मक्का देखते हैं सिर्फ उतने ही कैमरे हैं, दोस्तों एक दो सौ नहीं हजारों की तादाद में कैमरे हैं, और ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों कंट्रोल रूम बने हुए हैं जिसमें बड़ी बड़ी हम लोगों के घरों में जितनी बड़ी दीवारें होती हैं उससे भी बड़े बड़े टेलीविजन वहाँ पर लगे हैं, LED लगी हुई है, और हर पल हर कैमरे के ऊपर चार चार घंटे की ड्यूटी के हिसाब से सिक्योरिटी स्टाफ लगा होता है, और एक एक कैमरे के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके नाक के बाल तक वो गिन सकते हैं, इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है। तो अगर आपका अपना कोई बैग, आपका अपना कोई सामान गिर रहा है तो इनको भी पता है कि वो आपका अपना है, और आप अगर उसको उठाएंगे तो ये आपके पास कभी नहीं पहुंचेंगे। ये इसलिए लगा हुआ है कि ऐसे लोग जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं, अगर गिरा सामान और उन्होंने सोचा इतनी भीड़ में तवाफ करते समय पैर में कोई चीज़ टकराई, आपको लगा इतनी भीड़ में हम चुप्पे से उठा लें, कैसे पता चलेगा? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो देख ही रहा है, लेकिन ये दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सऊदी अरब की सिक्योरिटी को दे रखी है, ऐसा ऐसा सिस्टम दे रखा है कि आप उस लाखों की भीड़ के मजमे में अगर पैर के अंगूठे से कोई चीज़ उठा करके अपने हाथ में पकड़ लेंगे वो भी इनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात आपको बताएं, आप मताफ में या मस्जिद अल हरम में बाहर जितने भी वर्दीधारी पुलिस वाले देखेंगे आप उनको तो पहचान लेंगे ये आर्मी वाले हैं या पुलिस वाले हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आम ड्रेस में, सऊदी की आम ड्रेस में, आम लिबास में पहने ना जाने कितना सिक्योरिटी सिस्टम, उनकी LIU, उनकी STF, उनकी फोर्स वहाँ पर एक्टिव रहते हैं जो आपके हर पल का मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दे, जवान तो छोड़िए, अगर 60-65-70 साल वाला बुजुर्ग भी किसी गैर महरम किसी औरत को लगातार 40 सेकंड तक देखता रहेगा, थोड़ी देर के बाद पुलिस आके उसको उठा के लेके चली जाएगी। ध्यान से समझिएगा, 70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा जाएगा, अगर उसने 40 सेकंड तक लगातार किसी औरत के ऊपर नजर गड़ा दी तो उसको भी पुलिस उठा ले जाएगी, जवान का क्या करेगी ये तो आप ही समझ लीजिए। और सारी दुनिया में पुलिस वालों के द्वारा जो 3rd degree दिया जाता है, जो हाथ पैर की तुड़ाई होती है, उसमें सऊदी अरब top 3 में आता है। ये जो हड्डी पसली तोड़ते हैं यहाँ के फोर्स, वो top 3 में आता है। और जो सऊदी अरब का बंदा है, जो सऊदी सिटीजन है, अगर वो भी कोई गलती करता है तो उसका भी पता नहीं चलता है कि वो कौन सी जेल में कहाँ गया। हमारे इंडियन हाजियों का तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ अता पता नहीं चलेगा कहाँ गए। अगर ज़रा से भी अपराध जैसी चीज़ में कोई भी लिप्त हो गया, अपराध जैसी चीज़ में कोई फंस गया, इसलिए आपको ये वीडियो टेक्नोलॉजी हम दिखा रहे हैं, आप इसमें देख कर सिर्फ इबरत हासिल कर ले कि आपके एक एक मूवमेंट पर नज़र होगी। यहाँ तक कि आपको बता दें, अगर मस्जिद अल हरम के बाहर आप दो सगे भाई हैं और एक दूसरे को रियाल दे रहे हैं, एक आदमी ने पर्स से 100 रियाल निकाले और दूसरे को दिए, उतनी देर में फोर्स आ जाएगी। पैसों का लेन देन भी खुलेआम करना सख्त मना होता है वहाँ पर, टाइम नहीं लगता फोर्स आने में मेरे भाई, इतनी ज़बरदस्त वो है वहाँ पर सिस्टम, और ऐसे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि हर मूवमेंट पर नज़र रखते हैं, आप खुद अपनी नज़रों से देख लीजिए। इसलिए हमने आपको बताया कि आप किसी दूसरे का सामान बिल्कुल ना उठाएं, और अगर आपका अपना सामान गिर रहा है, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो बैग हो, कुछ भी हो, तो अपना सामान जरूर उठा लें, क्योंकि ये जो कैमरे की आंखें हैं ये बात को देख रही हैं कि आपने अपना सामान गिरने पर उठाया है। तो आपको अपना कोई भी सामान कहीं भी गिर जाए, 10 बार गिरे 10ियों बार उठा लीजिए, या ना सोचिए कि आपको पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन किसी और का सामान, यहाँ तक कि रुमाल भी अगर आपने उठा लिया, रियाल और पर्स और बैग तो छोड़िए, अगर रुमाल भी उठाया तो आप अरेस्ट होने के लिए तैयार रहिए। पिछले साल एक हाजी साहब ने गलती करी थी, 3 साल की सज़ा हो चुकी है उनको, उन्होंने मताफ में किसी साहब का बैग उठा लिया था और उठा के लेके बाहर चले आए थे। तो मेरे भाई, नाक के बाल गिलेगी ये वो पुलिस है, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, कोई गलती ना करिएगा।